गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन नेक्स्ट वीक, सो रिविजन ऑफ चैप्टर सेकेंड फ्रैक्शंस एंड डेसिमल एंड चैप्टर फोर सिंपल इक्वेशंस एक्सरसाइज 2.4. फर्स्ट टॉपिक इज डिविजन ऑफ फ्रैक्शन. फर्स्ट एग्जाम्पल इज 12 divided by 3 upon 4. We know that reciprocal of second fraction and sign will be changed. So, first step is 4 upon 3. Reciprocal the second fraction. 12 fours are 48 and 3 ones are 3. Cancel out ho jayega, toh answer is 16. One more example is 3 upon 2 divided by 1 upon 2. So reciprocal of second fractions 3 upon 2 multiply sign will be changed and 2 upon 1. We can write cancel out the 2, say 2 cancel ho jayega, 3. Answer is 3. Clear? Next topic is decimal. We know that पॉइंट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक 32.45. सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट. क्लियर? 32.45. प्लेस वैल्यू 253.147. फर्स्ट प्लेस वैल्यू इज 1000, सेकेंड इज 100, टेंस. ओके, पॉइंट के लेफ्ट साइड में फर्स्ट प्लेस वैल्यू वंस टेनेथ, टेनेथ, टेंस, वंस, टेंस एंड हंड्रेड. नेक्स्ट इज चेंज इनटू पैसे. तो 1 rupees इज इक्वल टू 100 paise. सो वी कैन चेंज 7 paise. 7 paise को अगर आपको रुपीज में चेंज करना है तो 7/100. अगर डिनोमिनेटर में 20 है तो पॉइंट 2 digit के बाद लग जाएगा, तो 7, 0 and 0. सो आंसर इज 0.07 rupees. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर. मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, वन एग्जाम्पल इज 2.6 मल्टीप्लाय 1.2. पॉइंट को अगर रिमूव करेंगे तो 10, बिकॉज 1 digit के बाद पॉइंट लगा हुआ है. 10 न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, सो वी कैन राइट 26 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 100. 26 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 6 टू जा एंड 2 फोर जा एंड 5, 6 2 312 अपॉन 100. 2 digit के बाद पॉइंट लग जाएगा, 3.12. सो आंसर इज 3.12. वन मोर एग्जाम्पल इज 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2. सो पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 10,
15 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 1, 15 टू जा 30 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, सो आंसर इज 3. ओके, नेक्स्ट डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर. पॉइंट फोर डिवाइडेड बाय टू, रिमूव द डेसिमल पॉइंट. फर्स्ट स्टेप इज 6.4, 10 डिवाइडेड बाय 2, 64 अपॉन 10. रेसिप्रोकल द सेकेंड फ्रैक्शन एंड साइन विल बी चेंज, सो कम 2 अपॉन 1 अपॉन 2, 64 वन जा 64 एंड 10 टू जा 20, 3 2 times and 10 times, so answer is 3.2. Next, one more example is 12.96. divided by 4. Remove the decimal point. Denominator में 2 0 आ जाएंगे and reciprocal the second fraction 1 upon 4. Multiply by 1 upon 100 multiply by 4. 3 times 3 and 24 upon 100. सो आंसर इज 3.24. डिनोमिनेटर में 20 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो 3.24 इज आंसर. क्लियर? फोर पॉइंट एट डिवाइडेड बाय 10. नेक्स्ट इज 2.7 divided by 100 and third is 7.9 divided by 1000. अब आपको 10, 100 और 1000 से डिवाइड करना है, तो फर्स्ट इज 4.8 डिवाइडेड बाय 10, शिफ्टिंग द डेसिमल पॉइंट टू द वन प्लेस, सो आंसर इज 0.48. Shifting the decimal point to be two places, so answer is 0.0027. Shifting the decimal point to be three places, so answer is 0.0079. Clear students, next chapter is simple equations. What is equation, what is constant and what is variable? We can write 2x plus 5 equal 10. This is called equations. Variable. कॉन्स्टेंट टर्म. एल्जेब्रिक फॉर्म में जो होगी वो कॉन्स्टेंट टर्म एंड अल्फाबेटिकली फॉर्म में होगा वो होगा वेरिएबल्स. मैथ्स में मोस्टली एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर वेरिएबल्स यूज होते हैं. ओके, फर्स्ट इज राइट द स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन. आपके पास अगर स्टेटमेंट है तो उसको इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे, और इक्वेशन है तो उसको स्टेटमेंट में कैसे चेंज करेंगे. तो फर्स्ट इज द सम ऑफ 3 टाइम्स एक्स एंड 11 इज 32. द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ एक्स, इट मीन्स 3x एंड 11 मीन्स प्लस 11 गिव्स 32.
नेक्स्ट इज इफ यू सब्ट्रैक्टेड 5 फ्रॉम 6 टाइम अ नंबर, इफ यू सब्ट्रैक्टेड 5 फ्रॉम 6 ऑफ अ नंबर, सो 6z माइनस 5 यू गिव 7, सो इक्वेशन इज 6z माइनस 5 इक्वल 7, क्लियर स्टूडेंट्स? और अगर आपके पास इक्वेशन है उसको स्टेटमेंट में कैसे चेंज करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन इज p प्लस 4 इक्वल 5, वी कैन राइट सम ऑफ अ नंबर, सम ऑफ अ नंबर p एंड 4 गिव्स 5. वन मोर एग्जांपल इज 2m इक्वल 7, we can write twice a number gives 7. Okay, next topic is trial and error method. X minus 1 equal 0, इसमें आपको वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है. तो फर्स्ट इज x माइनस 1 इक्वल 0, एडिंग बोथ साइड टू 1. अगर 1 को हम बोथ साइड में ऐड करेंगे तो प्लस 1 इक्वल 0 प्लस 1. वी नो दैट इन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर प्लस a एंड माइनस a इक्वल 0. सो माइनस 1 एंड प्लस 1 इक्वल 0, सो वैल्यू ऑफ x इक्वल 1. वन मोर एग्जाम्पल इज y प्लस 4 इक्वल 4 कर सकते हो. तो सब्ट्रैक्टिंग दोनों साइड में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 4 का, तो y प्लस 4 इक्वल माइनस 4 एंड 4. वी नो दैट प्लस 4 एंड माइनस 4 इक्वल 0 बिकॉज प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर. सो वैल्यू ऑफ y इक्वल 0, 4 माइनस 4 इक्वल 0. ये तो हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए. और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए लाइक वन एग्जांपल इज 3l इक्वल 42, अगर आपके पास मल्टीप्लाई में है वेरिएबल कांस्टेंट टर्म, तो आप क्या कर लोगे, डिवाइड करोगे. तो 3l अपॉन 3 इक्वल 42 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो L इक्वल 3 वन जा 3 एंड 3 फोर जा, तो वैल्यू ऑफ L इक्वल 14, क्लियर? और अगर आपके पास डिवाइड में हो b अपॉन 2 इक्वल 6, तो आप क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट टर्म का, डिजिट चेंज नहीं करोगे, जो वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट टर्म है उसी को लोगे. तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू ऑफ b इक्वल 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 टू जा 12, क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मींस वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करोगे ट्रांसपोजिंग मेथड से, ट्रांसफर मेथड से. फर्स्ट एग्जांपल इज 5t plus 28 equal 10. First step is transposing to 28 to RHS side. Variables के साथ जितने भी constant term है उनको 1 by 1 करके remove करना है, तो variable की value find हो जाएगी. तो 28 को अगर हम RHS side में transfer करते हैं, तो 5t equal 10 माइनस 28. सिंपल इक्वेशन से पहले आपको इंटीजर्स अच्छे से आने चाहिए, तो अगर प्लस 10 माइनस 28 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस 18 एंड 5t. अगेन ट्रांसपोजिंग 5 टू RHS साइड, सो वी गेट t इक्वल माइनस 18 अपॉन 5. सो वैल्यू ऑफ t इक्वल माइनस 18 अपॉन 5. नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल इज a अपॉन 5 प्लस 3 इक्वल
2. First step is transposing 3 to RHS side, we get A upon 5 equal 2 minus 3. We know that plus, minus, minus. So answer is minus 1. And agar ye divide mein hai, to transfer karenge to kya ho jayega? Multiply. So minus 1 multiply by 5. So answer is minus 5. Value of A equal minus 5. It means aapko ye pata hona chahiye, अगर आपके पास वेरिएबल्स के साथ एडिशन वाली टर्म है, प्लस है, तो आरएचएस साइड में अगर उसका ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा. माइनस है तो प्लस होगा, उसका ऑपोजिट साइन हो जाएगा. मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा. क्लियर? अब आपके पास एग्जाम में 2x + 4 = 10, अगर ऐसी इक्वेशन आ गई तो आप फर्स्ट स्टेप क्या करोगे? फर्स्ट बोडमास रूल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. तो एक्स प्लस 4 इक्वल ट्रांसपोजिंग 2 टू आरएचएस साइड, वी गेट 10 अपॉन 2. 5 जा, सो इक्वेशन इज एक्स प्लस 4 इक्वल 5. अगेन नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसपोजिंग 4 टू आरएचएस साइड, सो 5 माइनस 4. वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल 1. ओके, वन मोर एग्जाम्पल इज 4 = 5p - 2. 4 = 5p - 2. ट्रांसपोजिंग 5 टू LHS साइड, तो 4/5 एंड p - 2. अगेन ट्रांसफर टू LHS साइड, प्लस 2 = p. 4 + 10/5, एलसीएम इज 5, सो 14/5 = p. इट मीन्स वैल्यू ऑफ p इक्वल 14/5. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.